सो ही गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको IQ Z5 का 1 month यूज़ करने के बाद इसका रिव्यू देने वाला हूँ। मेरे को इसे 1 महीना हो चुका है खरीदे हुए IQ Z5 को, और 1 महीने के अंदर अभी तक ये कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है, मतलब बैटरी वगैरह कैसी चल रही है 1 महीने यूज़ करने के बाद, और पबजी वगैरह खेलते टाइम कैसी परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है, क्या कोई लैग वगैरह देखने के लिए मिल रहा है, या कोई हीटिंग इशू की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ठीक है। तो सारी चीज़ों के बारे में एकदम होनेस्ट रिव्यू होने वाला है। तो भाई आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और भाई वीडियो को एंड तक देखते रहना अगर आप IQ Z5 खरीदना चाहते हो, या मतलब आपको 1 month यूज़ का रिव्यू देखना है, तो भाई इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना, ठीक है। तो यार सबसे पहले तो हम लोग बात करें इसके अपडेट की। तो जब मैंने फ़ोन ख़रीदा था, और ये फ़ोन मैंने ऑफलाइन ही ख़रीदा था, जो कि मुझे 23,000 रुपये का मिला था। अगर आप ऑनलाइन ख़रीदते हो तो ये आपको 24,000 रुपये का पड़ेगा बिना किसी ऑफ़र के। अगर ऑफ़र के साथ ख़रीदते हो तो भाई आपको ये 22-23,000 रुपये का आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ, जब मैंने इसे ख़रीदा था तो इसके अंदर एक अपडेट पहले से ही पड़ा था, ओल्ड अपडेट, तो वो मैंने करा नहीं था। एंड उसके बाद जैसे ही दूसरा अपडेट आया था तो मैंने इसको अपडेट कर लिया था, ठीक है। तो उसके बाद भी मेरे को ऐसी कोई भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिली, फ़ोन बिल्कुल वैसा ही चल रहा था जैसा मैंने लिया था, ठीक है। एंड उसके बाद जैसे ही इसका तीसरा अपडेट आया, तो 3 अपडेट आ चुके हैं इसके 1 महीने के अंदर, तो काफ़ी अच्छी बात है। इसमें आपको अपडेट जल्द से जल्द देखने के लिए मिलते रहते हैं। तो तीसरे अपडेट पर जो अभी जो अपना अपडेट चल रहा है वो 12.5 के अपडेट पर चल रहा है, ठीक है। तो 12.5 का अपडेट भी मैंने कर लिया, और मेरे को परफॉर्मेंस में कोई भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिली। फ़ोन बिल्कुल एकदम नॉर्मल, एकदम स्मूथ चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया सी परफॉर्मेंस करके देता है, मतलब 60 FPS आपको प्रॉपर देता ही। और भाई बात करें अगर इसकी बैटरी की, तो बैटरी कितनी ज़्यादा चलती है, ठीक है। तो अगर आप 2-3 घंटे इसमें आप गेम प्ले करते हो तो आराम से आपकी 40% या 30% बैटरी ही ड्रॉप होगी, इससे ज़्यादा आपकी बैटरी नहीं जाती है। तो यार अब बात कर लेते हैं कि आपको इसमें कोई लैग वगैरह देखने के लिए मिलता है या नहीं मिलता है, मतलब 1 महीने यूज़ के बाद भी इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है। और रिकॉर्डिंग करते टाइम क्या आपको इसमें कोई लैग देखने के लिए मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। तो चाहे आप नॉर्मल खेल लो, चाहे आप रिकॉर्डिंग लगा के खेल लो, और चाहे आप मैक्स सेटिंग पे खेल लो, जो इसकी मैक्स सेटिंग है HDR+ Ultra पे खेल लो, और साथ में भाई आप रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लो, तो भाई आपको बिल्कुल 0 lag देखने के लिए मिलेगा। तो 1 महीने यूज़ के बाद भी इसकी जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल सेम है, बिल्कुल नॉर्मल है, जैसी पहले मिल रही थी बिल्कुल सेम वैसी इसकी परफॉर्मेंस अभी तक मिल रही है। अगर आप स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे पबजी वगैरह खेलते हो तो भाई आपको एकदम नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस निकाल के देता है, मतलब 60 FPS आपको प्रॉपर देता ही, चाहे आप कोई भी हॉट ड्रॉप कर लो, ठीक है। तो यार बात कर लेते हैं अगर आप इसे हाईएस्ट सेटिंग पे खेलते हो फिर ये कैसी परफॉर्मेंस निकाल के देता है, ठीक है। तो अगर आप HDR+ Ultra पे खेलते हो, साथ में आप रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लेते हो, तो आपके जो फ्रेम्स है वो थोड़े बहुत ड्रॉप होंगे। इसके अलावा आपका जो फ़ोन है वो थोड़ा बहुत फ़ोन भी हीट होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको इसमें लैग बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिलेगा, बस आपका फ़ोन है थोड़ा बहुत हीट होगा, हीट की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये दोबारा से नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है तो वापस से अपना फ़ोन है बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। और अगर बात करें 25,000 रुपये के अंदर ये फ़ोन ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, तो भाई 25,000 रुपये के अंदर मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगा, और 25,000 रुपये के अंदर मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई आपको फ़ोन मिलेगा। तो काफ़ी बढ़िया फ़ोन है IQ Z5, अगर आप गेमिंग के लिए खेलना मतलब लेना चाहते हो तो भाई IQ Z5 बिल्कुल बेस्ट फ़ोन है, किलर स्मार्टफोन है, तो ख़रीदना चाहते हो तो भाई ख़रीद सकते हो। और मुझे 1 महीना हो चुका है, और 1 महीने के अंदर मैंने इस पर हाईएस्ट सेटिंग पे भी गेम प्ले करा है, साथ में रिकॉर्डिंग भी ऑन करी है, और सारी चीज़ें इसी से करता हूँ, काइनमास्टर वगैरह एंड गेम प्ले वगैरह रिकॉर्ड करता हूँ, साथ में इसमें एडिटिंग वगैरह सब कुछ इसके अंदर करता हूँ, और मुझे कोई भी लैग वगैरह की कोई भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिली, और ना ही कोई बग वगैरह की दिक्कत देखने के लिए मिली। जैसे कि अपडेट के बाद बहुत से फ़ोन में टच वगैरह जो घोस्ट टच की इशू होती है वो होने लगती है, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। अपडेट के बाद भी फ़ोन बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, कोई भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिली, तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है IQ Z5। तो अगर आप IQ Z5 खरीदने वाले हो तो भाई आप आराम से ख़रीद सकते हो, आपको 2-3 साल तक गेम प्ले करने में मतलब आपको जो गेमिंग है वो कर देगा, मतलब गेम प्ले वगैरह में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली, 2-3 साल तक आराम से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप यूट्यूब करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो भाई बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन मैं इसे बोलूँगा, और अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो भाई आँख बंद करके खरीद सकते हो, भाई आपको एकदम टॉप नॉच की इसमें परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है। तो आई होप आपके वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।